अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम। हाय एवरीवन एंड बेनवेनुति ने इटालियन ढाबा। आज हमारे ढाबे में बनने जा रही है फिश करी। आज हम फिश का सालन बनाएंगे और इसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए होंगी उनमें ये 750 ग्राम फिश है, तकरीबन ये 6-7 क्यूब जो है वो टोमेटो पेस्ट के हैं, टोमेटो प्यूरी के हैं, हाफ कप जो है वो दही है, हाफ कप फ्राई प्याज है, 1 टीस्पून फुल भर के लाल मिर्च का पेस्ट है, 1 क्यूब जो है वो इमली का पेस्ट है और ये 1/4 टीस्पून जो है मेथी दाना है, 1 टीस्पून जो है वो सॉल्ट है, सूखी मेथी है, 1 टेबलस्पून 1/4 टीस्पून हल्दी है, 1 टेबलस्पून हरी मिर्च का पेस्ट है, 1 टेबलस्पून जो है अदरक का पेस्ट है और 1 टेबलस्पून ही लहसुन का पेस्ट है और इसके अलावा ये थोड़ा सा गरम मसाला है, 2 दालचीनी है, 4-5 जो है वो सब्ज इलायची है, 4-5 ही लौंग है और 8-10 जो है वो काली मिर्च है। टोमेटो की जो प्यूरी का क्यूब है ये मैंने क्या क्यूब जो है ये मैंने कैसे बनाया है इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, ये आप बना लें आपके लिए बड़ी सहूलत होगी। और ये जो इमली पल्प है, इमली के पल्प का जो क्यूब है इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, तो ये आप बना के रखें तो आपको बड़ी आसानी होगी। और इसके अलावा मैं दही और प्याज जो है इन दोनों को ब्लेंड कर लूँगी, इनका एक पेस्ट बना लूँगी, तो बाकी आए कुकिंग की तरफ चलते हैं। ये प्याज और दही का मैंने पेस्ट बना लिया है और फिश जो है मैंने बोनलेस ली है, आप चाहें तो इसके साथ बोन के साथ भी ले सकते हैं, ये स्किनलेस और बोनलेस फिश है और इस तरह इसके क्यूब बनवा लिए। कोशिश करें बिल्कुल फ्रेश फिश हो, जब आप इसको यूं दबाएं और अगर गड़ा पड़ जाए तो इसका मतलब है कि ये बासी है, लेकिन अगर गड़ा ना पड़े जो फिश पूरी होती है तो उसका मतलब है कि वो फ्रेश है, तो आप फ्रेश फिश लें। और मैंने ये क्यूब्स लिए हैं, बोनलेस और स्किनलेस है, आप चाहें तो बोन के साथ भी ले सकते हैं। ये 1/2 कप हमने ऑयल डाला है, इसमें हम सबसे पहले ऑयल गर्म हो चुका है, हम सबसे पहले डालेंगे मेथी दाना। मेथी दाना आपने ज्यादा नहीं डालना, बस इसी तरह 1/4 टीस्पून जो है इतना ही डालना है वरना कड़वी हो जाएगी। ये बस थोड़ा सा इसको हो गया, कलर आ गया, अब हम इसमें ये डाल देंगे। हल्का सा गरम मसाला हो जाएगा तो साथ ही हम इसमें अदरक लहसुन डाल देंगे। अदरक लहसुन को हल्का सा कलर आ गया तो इसमें थोड़ा सा साथ में इसमें डाल देंगे नमक हल्दी, लाल मिर्च का पेस्ट, आप चाहें तो इसकी जगह लाल मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं, हरी मिर्च का पेस्ट, मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें अपने ये टोमेटो के जो क्यूब्स हैं ये डाल देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से, स्मूथ हो जाए। ये हमारे टोमेटो क्यूब जो है वो बिल्कुल हल हो गए और इसमें देख लें बिल्कुल स्मूथ हो गए, और उनको क्यूब्स को बनाने का फायदा ही है, देख लें बिल्कुल कोई छिलका नहीं, कोई चीज़ नहीं, और ये ग्रेवी भी स्मूथ सी बनेगी। अब हम इसमें अपना ये ब्लेंड किया हुआ दही और प्याज का पेस्ट डाल देंगे।
अपने फ्लेम को हम अभी स्लो ही रखेंगे। थोड़ा सा दही जो है उसको हीट लग जाएगी तो फिर हम अपने फ्लेम को मीडियम कर देंगे। अब हम अपने फ्लेम को मीडियम कर देंगे। दही हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है, अब इसको मीडियम कर देंगे ताकि इसमें कोई फुटकिया वगैरह ना बने, हमारी जो ग्रेवी है वो बिल्कुल स्मूथ रहे। देख ले, बिल्कुल स्मूथ है। इस स्टेज पे आप इसमें नमक मिर्च चेक कर सकते हैं, इसकी सीजनिंग में अगर किसी किस्म की कमी हो तो वो आप ऐड कर लें। अब हम इसको अच्छे से भूनेंगे। ये हमारा मसाला अच्छे से भून चुका है, इसको हमने 4-5 मिनट भून लिया। देख लें, इसने ऑयल छोड़ दिया। अब हम इसमें फिश डाल देंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे पहले। ताकि मसाला जो है वो जले ना, और फिर हम इसमें फिश डाल देंगे। ये हमने इसमें फिश डाल दिया। अब हम इतना पानी डाल देंगे जितनी हमें ग्रेवी चाहिए और इसको ज्यादा हिलाएंगे नहीं। और साथ ही हम इसमें ये इमली के क्यूब भी डाल देंगे। बोनलेस फिश से बनाए, बच्चे जो है वो आराम से खा लेते हैं इसको, कोई मसला नहीं होता कि कांटा गले में चुभ जाएगा या कुछ, आसानी के साथ खा लेते हैं। मैं इसमें थोड़ा सा पानी और डालूंगी, 1 कप के जितना, और फिर इसको थोड़ी देर के लिए हम कवर कर देंगे 5 मिनट के लिए बस। इसको हमने 5-7 मिनट के लिए कवर कर दिया था ताकि फिश भी अच्छे से गल जाए। ये अच्छी सी गल गई है और इसके लिए इतना टाइम ही काफ़ी होता है। अब हम इसमें डाल देंगे ये सूखी मेथी, और हम इसमें, ये मुझे याद नहीं रहा आपको बताना, 1/2 टीस्पून जो गरम मसाला है ये इसमें जाएगा, और बस मिक्स कर देंगे। हरा धनिया बाद में अपनी डिश आउट करेंगे तो फिर डालेंगे। आप इसकी ग्रेवी देखें कितनी स्मूथ बनी है। अब हम अपने फ्लेम को करने लगे ऑफ। ये हमारी फ़िश की करी जो है वो तैयार है। मैं इस तरीके से बनाती हूँ और एक तरीके से और बनाती हूँ, मैं आपको फिर कभी बताऊँगी। आप इसको बनाएं और इसकी देखें ग्रेवी, मैं आपको दिखाऊँ कितनी स्मूथ बनी है। ये देखें, ना टमाटर का कोई छिलका है, ना कोई इमली का कोई बीज है, कुछ भी नहीं, बिल्कुल स्मूथ। और देख लें ये इसके पीसेस भी बिल्कुल साबुत है फिश के। और इसको आप अपने घर में बनाएं अपने बच्चों के साथ। फिश वैसे भी हेल्दी होती है, सेहत के लिए अच्छी होती है, इसमें विटामिन डी पाया जाता है हमारी हड्डियों के लिए, हमारी बोन्स के लिए, और हमारे बालों के लिए, स्किन के लिए, ये बहुत हेल्दी होती है। इसके साथ आप पतले पतले से बारीक फूले हुए फुलके बनाएं और उसके साथ बॉइल्ड राइस बना लें तो दोनों के साथ ये बहुत अच्छी जाती है। तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा बनाया करें और बच्चों को हेल्दी फूड खाने की आदत डालें जंक फूड के बजाय। कमेंट बॉक्स में आप हमें बताएं कि आप किस तरह बनाते हैं, हमसे शेयर करें ताकि हमारी भी नॉलेज में इजाफा हो।
इसको बनाएं और इंजॉय करें। मुझे उम्मीद है कि आप इसको पसंद करेंगे। आप एक दफा बनाकर तो देखें, आप हमेशा इसी रेसिपी से बनाएंगे। इंजॉय करें।